हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉप नॉट्स ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग एक्सपोज टर्मिनल प्रॉब्लम करेंगे। तो अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा होगा जो है हिडन टर्मिनल प्रॉब्लम, तो मैं रेकमेंड करूंगी कि आप वो वीडियो देखें। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करेंगे, क्योंकि उसमें एक्चुअली थोड़े टर्म्स है जैसे एक्सेस पॉइंट, RTS, CTS, जो आपको हेल्प करेगा ये वीडियो समझने के लिए। तो एक्सपोज टर्मिनल प्रॉब्लम और हिडन टर्मिनल प्रॉब्लम एक्चुअली एक एडहॉक नेटवर्क के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो एक्सपोज टर्मिनल प्रॉब्लम बेसिकली चार एक्सेस पॉइंट्स होते हैं, एक्सेस पॉइंट ए, बी, सी और डी। तो एक्सेस पॉइंट ए का रेंज जो होता है वो सपोज एक्सेस पॉइंट बी तक है, एक्सेस पॉइंट बी का रेंज है वो एक्सेस पॉइंट ए और सी में तक है, एक्सेस पॉइंट सी का रेंज है टिल एक्सेस पॉइंट बी एंड डी, और सिमिलरली एक्सेस पॉइंट डी का रेंज है टिल एक्सेस पॉइंट सी। तो सपोज पहले स्टार्टिंग में एक्सेस पॉइंट बी को कोई इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है एक्सेस पॉइंट ए को, तो वो देखेगा कि चैनल फ्री है कि नहीं। और सपोज उसको चैनल फ्री मिला तो उसने स्टार्ट किया ट्रांसमिट करना डेटा एक्सेस पॉइंट ए को, लेकिन क्योंकि एक्सेस पॉइंट बी का रेंज ए और सी दोनों तक था, और इसी वक्त अगर एक्सेस पॉइंट सी को कुछ इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है एक्सेस पॉइंट डी को, तो वो सेंड नहीं करता है, क्योंकि उसको लगता है कि जो कैरियर है वो फ्री नहीं है और बिजी है, तो अगर वो सेंड करेगा तो कोलिजन हो जाएगा। इसलिए एक्सेस पॉइंट सी एक्सेस पॉइंट डी को इन्फॉर्मेशन नहीं सेंड करता है एक्सपोज टर्मिनल प्रॉब्लम में। लेकिन एक्चुअल में इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ट्रांसमिशन सिर्फ एक्सेस पॉइंट ए और बी के बीच में हो रहा है, जिसमें सी और डी का कुछ लेना देना नहीं है। सो बेसिकली इन एक्सपोज टर्मिनल प्रॉब्लम एक्सेस पॉइंट सी इज एक्सपोज टू एक्सेस पॉइंट बी। सो एक्सपोज टर्मिनल प्रॉब्लम लीड्स टू टू थिंग्स, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ चैनल एंड लोअर इफेक्टिव थ्रूपुट। अब देखते हैं कि उसका सोल्यूशन क्या है। तो उसका सोल्यूशन है MACA, जो होता है मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस। तो इसमें दो सिग्नलिंग पैकेट्स यूज किए जाते हैं, RTS और CTS। तो एक्सेस पॉइंट बी को जब डेटा सेंड करना है एक्सेस पॉइंट ए को, तो वो एक RTS पैकेट भेजेगा जो एक्सेस पॉइंट ए को भी पहुंचेगा और सी को भी, उसके रेंज के वजह से। तो एक्सेस पॉइंट सी ने रियलाइज़ किया कि वो RTS पैकेट उसके लिए नहीं था, क्योंकि रिसीवर जो एड्रेस उसमें मेंशन था वो एक्सेस पॉइंट सी का नहीं था। अभी वो ए के पास गया, ए ने देखा कि ये मेरे लिए है और उसका चैनल फ्री है, तो उसने CTS पैकेट वापस भेजा एक्सेस पॉइंट सी को। और इस तरह से एक्सेस पॉइंट बी ने स्टार्ट किया डेटा सेंड करना एक्सेस पॉइंट ए को। अभी सपोज यही टाइम पे एक्सेस पॉइंट सी को इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है एक्सेस पॉइंट डी को, तो उसने रियलाइज़ किया कि उसने कभी CTS पैकेट भेजा ही नहीं, मतलब उसका चैनल फ्री है। अभी वो ट्रांसमिट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन एक्सेस पॉइंट डी को, तो वो सेंड करेगा RTS पैकेट एक्सेस पॉइंट डी को, एक्सेस पॉइंट डी ने उसको CTS पैकेट भेजा, और इसी तरह से एक्सेस पॉइंट सी अभी डेटा डायरेक्टली भेज सकता है एक्सेस पॉइंट डी को साइमल्टेनियसली। मतलब बी टू ए भी ट्रांसमिशन हो रहा है, वैसे ही सी टू डी भी ट्रांसमिशन हो रहा है, तो उसको अभी वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से हम लोग एक्सपोज टर्मिनल प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं यूजिंग MACA। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, डू गिव इट अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल टॉप नॉट्स ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।